हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम शॉर्ट में MHC कहते हैं। तो बी फार्मा थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो भी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, उनकी एक यूनिट के अंदर आपका ये टॉपिक रहता है। तो ये टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें आपका मेनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपके इसके जो क्लासिफिकेशन है क्लास वन और क्लास टू, इनका डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, ये आपके एक्चुअली में है क्या, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक कॉम्प्लेक्स है, जिसका काम होता है हमारे हिस्टोकंपैटिबिलिटी को चेक करना, कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस आते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या वो आपके बॉडी के अंदर आके एक हार्मनी में रहता है या फिर आपका एक उसके साथ इनकॉम्पैटिबिलिटी शो करता है। तो यही कॉम्प्लेक्सेस उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये करते क्या है, इनका रोल क्या है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस जाते हैं, एंटीजन उसको कहा जाएगा जो आपकी बॉडी एज अ फॉरनर रिकोगनाइज करेगी। तो किस एंटीजन को आपकी बॉडी सेल्फ मानेगी, अपना मानेगी, और किसको वो नॉन सेल्फ मानेगी या फॉरनर मानेगी, ये आइडेंटिफाई करने में ही हमारे MHC कॉम्प्लेक्सेस को हेल्प करते हैं। अगर हम MHC कॉम्प्लेक्सेस की लोकेशन को देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो MHC कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उन्हें कहा जाता है HLA, यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन्स आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये आपका तीन तरीके के होते हैं मेनली, ठीक है। वैसे ये चार तरीके के हैं, पर हम यहाँ पर तीन तरीके की लोकेशंस देख रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, उसमें आपका ये MHC के तीन क्लास के जो प्रोटीन्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। जिस ऑर्डर में ये लिखे गए हैं, ये इसी ऑर्डर में आपका प्रेजेंट रहते हैं। पहले क्लास 1 रहता है, फिर क्लास 3 रहता है, और फिर क्लास 2 आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं MHC के, वो इस तरीके से आपका आपके इस क्रोमोसोम नंबर 6 पर आपका एक्सप्रेस्ड रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो ये MHC कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं मेनली हमारा MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2। आगे जाके मैं आपको इस वीडियो के एंड में MHC क्लास 3 के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दूंगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं MHC क्लास 1 क्या है। MHC क्लास 1 के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपके मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट आपका 45 किलो डाल्टन का होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ये इंटरेक्ट किसके साथ करते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, ये उनके सरफेस पर पाए जाते हैं और उन्हीं के साथ आपका अडेयर करते हैं, चिपकते हैं। टीसी यानी कि साइटोटॉक्सिक सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स को हम लोग CD8+ सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब यानी कि हमने ये सीखा कि हमारे जो MHC क्लास 1 के जो हमारे प्रोटीन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो टीसी सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं, और ये उसके अंदर जो CD8+ सेल होती है उसके साथ ये बाइंड करते हैं। और उसके बाद आपका इनका फंक्शन क्या होता है, जो आपके MHC क्लास 1 के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका काम होता है आपकी बॉडी में जब भी कोई वायरस आएगा और आपकी सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो उसकी जो लाइसिस होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको डिकम्पोज करने में आपका MHC क्लास 1 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर है तो उसकी लाइसिस करने में भी आपका ये इन्वॉल्व रहते हैं। बात करें अगर हम MHC क्लास 1 के रिसेप्टर के स्ट्रक्चर की, तो आप देखेंगे इसकी जो कॉम्पोजिशन है, ये जो पूरा का पूरा MHC क्लास 1 का जो रिसेप्टर है वो बना कैसे होता है, वो बना होता है आपका मेनली α1 α2 α3, ये तीन आपके मॉलिक्यूल्स, और एक आपका β2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये आप देख सकते हैं। हमारा जो α1 यहाँ से शुरू होगा, ये पहला है α1, ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ये α2, और ये है आपका α3। ये α1 α2 α3 ये तीन आपका अटैच रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप स्पायरल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जो तीनों के तीनों आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपका आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये उसी ट्रांस मेम्ब्रेन का सेगमेंट होते हैं, उसी डोमेन में आपका ये रहते हैं। वहीं जो β2 माइक्रोग्लोबुलिन होती है, ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट का डोमेन नहीं होती है, इट इज़ नॉट इनसाइड दी ट्रांस मेम्ब्रेन। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें β2 माइक्रोग्लोबुलिन की, तो इसका साइज़ हमारा α3 के बराबर ही होता है, पर आपका α3 आपका जो है वो आपके इस ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट के साथ अटैच होती है, लेकिन आपका जो β2 माइक्रोग्लोबुलिन है ये आप देख सकते हैं ये फ्री होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कॉइल्ड है, इसकी कॉइलिंग में आपका जो प्रोटीन्स होते हैं वो मदद करते हैं। आपकी जो ये α1 α2 α3 एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं आपका डाइसल्फाइड ब्रिज से। यहाँ पर जो आप ये बॉन्ड देख रहे हैं ये है डाइसल्फाइड ब्रिज। तो MHC कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है, MHC कॉम्प्लेक्स आपका α1 α2 α3 और β2 माइक्रोग्लोबुलिन का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लास टू MHC की। ठीक है, तो MHC क्लास टू जो है ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, अनलाइक न्यूक्लिएटेड सेल्स ये आप प्रेजेंट रहते हैं आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। आपकी जो मेन प्रोफेशनल सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी क्लास टू के अंदर आती हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, यानी कि ये कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बीटा सेल्स, ये तीन सेल्स हमारी APC सेल्स का उदाहरण है, यानी कि ये ऐसी सेल्स हैं जहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब आपके जो MHC क्लास टू के जो आपके रिसेप्टर्स हैं ये हमारे एक्सोजिनस एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, यानी कि जो एंटीजन आपकी बॉडी में बाहर से आता है। वहीं अनलाइक क्लास वन में जो आपका एंटीजन आता है वो बॉडी के अंदर रहता है, इंडोजिनस एंटीजन के साथ आपके क्लास वन रिसेप्टर बाइंड करते हैं, और आपके जो क्लास टू के जो MHC मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एक्सोजिनस एंटीजनस के साथ बाइंड करते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ इन्वॉल्व रहता है TH सेल का, यहाँ हमने देखा था यहाँ TC सेल्स इन्वॉल्व रहती हैं, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक सेल्स आपका इन्वॉल्व रहती हैं MHC क्लास वन में, और MHC क्लास टू के अंदर साइटोटॉक्सिक सेल्स नहीं, हेल्पर टी सेल्स जिनको हम CD4+ सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो MHC क्लास टू के रिसेप्टर्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी हेल्पर टी सेल के साथ जाके बाइंड करते हैं, और हेल्पर टी सेल से बाइंड करने के बाद ये इनका रोल कहाँ रहता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की। क्लास टू जो MHC रिसेप्टर है वो किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है α1 α2, ये दो चेन रहती हैं, और एक रहती है β1 β2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके अंदर भी आपका चार सेल्स रहती हैं, α1 α2 β1 β2। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा MHC क्लास टू रिसेप्टर नज़र आता है, जिसमें आप देखेंगे ये हैं आपकी, दिस इज़ α1 α2, दिस इज़ β1 β2। तो इस तरीके से आपका ये जो आपकी चेन्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रूव बनती है, एक क्लेफ्ट बनती है, ये हमारी MHC क्लास टू की हमारी क्लेफ्ट है, जहाँ पर जाकर जो भी एंटीजन है वो यहीं पर जाके आपका प्रेजेंट होता है या कहें उसके बाद बाइंड होता है। तो दिस इज़ हाउ द MHC क्लास टू रिसेप्टर लुक लाइक्स, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, α1 α2 एंड β1 β2 माइक्रोग्लोबुलिन। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे MHC क्लास वन के जो रिसेप्टर्स हैं वो एंटीजन की प्रोसेसिंग करते हैं। मान लीजिए कोई वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, आपकी सेल में जाता है, सेल से आपके साइटोप्लाज्म में जाके उस आपकी सेल के सेल साइटोप्लाज्म में एंटर करके आपकी सेल को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वायरस अंदर आएगा तो जैसे कि आप सभी को पता है वायरस जो है वो होस्ट की ही मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करेगा, तो वो मशीनरी को यूज़ करके कुछ प्रोटीन्स बनाएगा जो कि वायरल प्रोटीन्स कहलाएंगे। तो वायरल प्रोटीन यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया है। वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद क्या होगा, उसमें आपका एक यूबीक्विन नाम का एक प्रोटीन जुड़ेगा। जैसे ही वायरल प्रोटीन में यूबीक्विन प्रोटीन जुड़ेगा तो उस प्रोटीन को आप यूबीक्विनेटेड प्रोटीन कहेंगे, और यूबीक्विन का जुड़ना मतलब इस प्रोटीन की अब डिस्ट्रक्शन तय है, ये प्रोटीन अब मरने ही वाला है। जैसे ही इसमें यूबीक्विन प्रोटीन की टैगिंग होती है, दिस वायरल DNA इज गोइंग टू डाई। ये यूबीक्विन प्रोटीन किसने बनाया है, जो होस्ट है, ठीक है, उस होस्ट की सेल ने अपने डिफेंस में बनाया है। अब क्या होता है, जिस दौरान ये प्रोसेस हो रही होती है तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो MHC क्लास वन रिसेप्टर होता है या प्रोटीन होता है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, और वो सिंथेसाइज होने के बाद क्या करता है, आपके सर्फेस पर आके एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब आपने देखा था MHC क्लास वन रिसेप्टर जो है वो आपका α1 α2 α3 और β2 माइक्रोग्लोबुलिन का बना होता है, तो उसमें आपने देखा था कॉइलिंग होती है, जैसे आपने देखा था कि ये जो है अपने आपको ना कॉइल करता है इस तरीके से। तो इसकी कॉइलिंग में जो मदद करता है प्रोटीन वो है आपका चैपेरॉन मॉलिक्यूल, और दिस प्रोटीन हेल्प्स टू प्रॉपरली फोल्ड और प्रॉपरली कॉइल द MHC क्लास वन रिसेप्टर्स। आफ्टर एक्सप्रेशन ऑन द सर्फेस अब क्या होगा, आपके CD8 सेल्स यानी कि जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो आपके सर्फेस पर एक्सप्रेस्ड होंगे, और चूंकि साइटोटॉक्सिक सेल्स या CD8+ सेल्स आपकी साइटोटॉक्सिक इन नेचर होती है, इनका काम होता है सेल को इनगल्फ करना, सेल को आपका डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये क्या करेंगे आपके एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करके आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को डिफेंड करेंगे। यानी कि अब हम समझ में आ गए कि कैसे हमारे MHC क्लास टू के रिसेप्टर्स या क्लास वन के रिसेप्टर्स इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि क्लास टू के जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो एंटीजन की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे MHC क्लास वन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका MHC क्लास वन सिंथेसाइज हो रहा था, ऐसे ही हमारे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका ये दिस इज़ योर MHC क्लास टू रिसेप्टर, दिस इज़ MHC क्लास
तो ये रिसेप्टर जो है ये आपका देख सकते हैं आपके मेम्ब्रेन पर आपका इसने अपने आप को अटैच किया है। ये आपका अल्फा वन अल्फा टू, ये आपका बीटा वन बीटा टू आपका बनने लगे। यहाँ पर आपका एक क्लेफ्ट बनी है, इस क्लेफ्ट पर जाकर एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जब आपका MHC की जो सिंथेसिस है, क्लास टू रिसेप्टर की सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी होती है। अभी आपने पढ़ा था कि जो क्लास टू के रिसेप्टर्स होते हैं ये आपका एक्सोजिनसली वर्क करते हैं, यानी कि ये एक्सोजिनसली जब कोई वायरस या बैक्टीरिया कोई भी एंटीजन आता है ये तब आपका इनिशिएट होते हैं, ठीक है। और ये अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, ये जो प्रोटीन्स है ना ये अंदर बनता ही रहता है। तो साथ ही साथ एक इनवेरिएबल चेन अंदर बनती है, ठीक है। इस इनवेरिएबल चेन बनने के बाद आपका क्या होता है, ये जो MHC रिसेप्टर्स हैं ये आपके इस इनवेरिएबल चेन का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन। तो ये इनवेरिएबल चेन आपका कहाँ से आई थी, एंटीजन से आई थी, तो उसको ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद आपका MHC कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके गोल्जी अपरेटस में जाते हैं। गोल्जी अपरेटस में जाने के बाद आपका जो आपकी सरफेस पर आपका जो भी एंटीजन है उस एंटीजन से आपका ये अपने से लाइसोसोम कुछ रिलीज़ करते हैं। लाइसोसोम्स अपने में से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है और इसके साथ आपका जो वेसिकल है, वेसिकल के अंदर ये MHC स्टोर्ड रहता है, ठीक है। ये आपका वेसिकल का हिस्सा है जहाँ पर MHC क्लास टू रिसेप्टर स्टोर्ड है। तो वेसिकल्स आपके लाइसोसोम से अटैच करेगा और आपके एंटीजन के साथ बाइंड करके सरफेस पर एक्सप्रेस्ड होगा, और सरफेस पर एक्सप्रेस्ड होने के बाद आपका आपके जो भी एंटीजन आया था उसकी क्या करेगा, उसकी ये डेथ स्टार्ट करेगा, उसकी ये लाइसिस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो हमारे क्लास टू रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन आइडेंटिफाइंग द सेल्फ फ्रॉम द नॉन सेल्फ एंटीजन। ये आप देख सकते हैं MHC क्लास टू रिसेप्टर के जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है। ये हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन है, दिस इज़ योर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें आपका ये ट्रांस मेम्ब्रेन हिस्सा है, इसमें आपका जो बीटा वन बीटा टू है वो इस तरीके से कॉइल फॉर्म में रहते हैं और यहाँ अल्फा वन अल्फा टू एक दूसरे के साथ फॉर्म रहते हैं। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, आप देख सकते हैं। बीच में आपका आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, यही आपकी पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट होती है, यहीं पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहीं पर जाके एंटीजन बाइंड करता है। इसमें आप देख सकते हैं बीटा और अल्फा ये दोनों ही आपके ट्रांस मेम्ब्रेन ओरिजिनेटेड होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपने पढ़नी है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हमने पढ़ा था कि हमारे MHC को हम लोग HLA भी कहते हैं। एक्चुअली में ये जो MHC होती है ना ये ऑल लिविंग फॉर्म्स के अंदर पाई जाती हैं, ये बैक्टीरियाज के अंदर भी होती हैं, प्लांट्स के अंदर भी होती हैं। जब ये ह्यूमन के अंदर आती हैं तो इनको हम लोग बोल देते हैं HLA, है ना। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल था वो हमारे ह्यूमन की ल्यूकोसाइट के अंदर आइडेंटिफाइड हुआ था, इसीलिए हम उस MHC को ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कह देते हैं। सो व्हाट इज़ HLA? HLA इज़ अ MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन। ये आपका बेसिकली जैसे अभी आपने पढ़ा था वैसे ही होते हैं। ये भी आपका दो तरीके के हैं, एक्चुअली दे आर ऑफ फोर टाइप्स, पर हम यहाँ पर आपको तीन तरीके का पढ़ाएंगे। तो HLA आपका जो क्लास वन है उसको आपने दो तीन सब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, HLA-A, HLA-B, HLA-C। जो क्लास टू है उसको आपने फिर से सब कैटेगराइज किया है तीन में। एक्चुअली ये एक ही होता है, बस इसके ये वाले जो सेगमेंट्स हैं ये होते हैं डिफरेंट। तो HLA-DDDD तो तीनों ही रहेंगे, यहाँ PQR। इसको इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि आपको समझ में आए इसकी लोकेशन। अगर आप HLA मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें ना तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये हमारी मेम्ब्रेन है, दिस इज़ आर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। इसमें सबसे पहले होता है क्लास वन, यहाँ से अगर आप स्ट्रक्चर लोकेट स्टार्ट करें तो सबसे पहले होता है आपका क्लास वन मॉलिक्यूल, फिर होता है क्लास थ्री, फिर होता है क्लास टू, ठीक है। मैंने आपको क्रोमोसोम नंबर सिक्स पे भी दिखाया था, ये हमारा है क्रोमोसोम नंबर सिक्स। इस क्रोमोसोम नंबर सिक्स में पहले होगा क्लास वन, फिर यहाँ पर होगा क्लास थ्री, और फिर होगा आपका क्लास टू। तो इस तरीके से इनकी लोकेशन हमने यहाँ मेम्ब्रेन पर भी दिखा रखी है। तो जो क्लास वन HLA मॉलिक्यूल है वो तीन तरीके का है, ABC। जो क्लास टू है वो भी आपका तीन तरीके का है, DP, DQ, DR। जो क्लास थ्री होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो क्लास थ्री का MHC मॉलिक्यूल होता है ना, ये इसका कोई स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर इन डिटेल में है नहीं, ठीक है। ये आपका क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसके अंदर रहते हैं, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट इंक्लूड रहते हैं। इसकी वजह से इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हीट शॉक प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, तो ये ट्यूमर की नेक्रोसिस भी करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MHC मॉलिक्यूल इन जनरल एंड MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।